Assalamu alaikum, dear students. I'm your English teacher, Irfana ma'am, and today we are going to continue the same story, Trees and Their Dreams. So let's get started. Page number is 53. तो बच्चों आपको याद है ये स्टोरी क्या बोला था मैंने, पहले ट्री का ड्रीम क्या था, दूसरे ट्री का ड्रीम क्या था और तीसरे ट्री का ड्रीम था क्या, तो कैसे इन तीनों पेड़ों के ड्रीम्स क्या हो गए, बर्बाद हो गए। तो लेकिन मैंने फिर बोला था आपको, एक को एक ट्रेजर चेस्ट बनना चाहता था, दूसरा माइटी शिप और तीसरा लॉन्ग एंड स्ट्रेट, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि एक जो पहला पेड़ था उसको फीड बॉक्स बना दिया गया, दूसरे को फिशिंग बोर्ड बना दिया गया और तीसरे को ऐसे पीस पीस करके काट दिया गया। फिर क्या हुआ कि एक दिन कैसे उस फीड बॉक्स में एक माँ ने जन्म दिया एक बच्चे को, उसको उस फीड बॉक्स में रखा और इस शख्स को लगा कि इस ट्री को लगा मेरी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कैसे फिर दूसरी दफ़ा तीन शख्स उस बोट में जा रहे थे, उसको भी लगा कि कोई स्ट्रॉन्ग मैन इसमें सवार है, इस क्योंकि उस स्ट्रॉन्ग मैन ने क्या किया, एक स्टॉर्म को रोका, तूफान को रोका। ठीक है, समझ गया। तो अब आप पेज नंबर 53 निकालेंगे जहाँ पे बाकी स्टोरी बचती है। Finally, someone came and got the third tree. तो क्या हुआ कि अब किसी शख्स ने तीसरे पेड़ को उठाया। It was carried through the streets as people mocked the man who was carrying it. तो जो शख्स इस पेड़ को उठा रहा था उसने उसको सड़क के बीचों बीच लिया, सड़क से वो चल रहा था, लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। When they came to a stop, the man was nailed to the tree and raised in the air to die at the top of the hill. तो इस आदमी ने इस पेड़ को क्या किया, इसने इसको कील ठोके और एक पहाड़ की चोटी पे इसको खड़ा कर दिया। When Sunday came, the tree came to realize that it was strong enough to stand at the top of the hill and be as close to God as was possible because Jesus has been crucified on it. तो इसको जब पहाड़ की चोटी पर रख दिया गया, जब संडे का दिन आया, तो इस पेड़ को महसूस हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला हूँ क्योंकि मैं इस पहाड़ की चोटी पे खड़ा रह सकता हूँ और ये पहाड़ की चोटी से मैं ऊंचा हो गया और मैं गॉड के करीब हो गया हूँ। तो इसको लगा कि इसी पेड़ पे जो है प्लस का निशान बनाया था और जीसस क्राइस्ट को भी इसी ऐसे ही पेड़ पे सूली चढ़ा दिया गया था। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट व्हेन थिंग्स डोंट सीम टू बी गोइंग योर वे, ऑलवेज नो दैट गॉड हैज अ प्लान फॉर यू। अब इस स्टोरी का जो मतलब निकलता है कि जब आपके साथ चीजें ठीक नहीं हो रही है तो आपको हमेशा सोचना चाहिए गॉड का कुछ अच्छा प्लान है हमारे लिए। समझ गए बच्चों, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, मगर वैसा नहीं होता, कुछ और ही होता है आपके साथ, और जो आपके साथ होता है ना वो खुदा करता है और वही आपके लिए बेहतर होता है। इफ़ यू प्लेस योर ट्रस्ट इन हिम, ही विल गिव यू ग्रेट गिफ्ट्स। और अगर आप खुदा पे भरोसा करेंगे वो आपको अच्छे अच्छे तोहफे दे देगा। ईच ऑफ द ट्रीज गॉट व्हाट दे वांटेड, और जैसे इन पेड़ों को जो चाहिए था इनको मिला, जस्ट नॉट इन द वे दे हैड इमेजिन, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जैसे वो चाहते थे कि ट्रेजर बॉक्स या माइटी शिप या लॉन्ग स्ट्रेट ट्री, वैसे नहीं हुआ।
वी डोंट ऑलवेज नो वट गॉड्स प्लान आर फॉर अस, हमेशा हमेशा हमें हमेशा नहीं पता होता कि खुदा का क्या प्लान होता है हमारे लिए, उसने क्या सोचा होता है हम लोगों के लिए. वी जस्ट नो दैट हिज वेज आर नॉट आवर वेज बट हिज वेज आर ऑलवेज द बेस्ट. हमें पता है कि खुदा का जो प्लान होता है, खुदा ने जो सोचा होता है, वो हम लोगों की सोच से अलग होता है. जो हम सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो खुदा सोचता है वैसा ही होता है, और जो वो खुदा सोचता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है. समझ गए स्टूडेंट्स? हाँ, तो जो चीज़ आपको चाहिए होती है, अगर कभी कभार आपको नहीं मिलता है, दैट मीन्स खुदा ने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा. ठीक है, अगर हम सोच रहे थे कि इस साल हम अच्छे से स्कूल जाएंगे, हम गए भी लेकिन फिर से बंद होगा हो गया, तो इसमें सोचना चाहिए खुदा ने हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा. इस कहानी से यही मतलब निकलता है. आई होप कि ये कहानी में जो नसीहत है आप उस पर अच्छे से गौर करेंगे. ठीक है बच्चों, और ये कहानी को आप बार बार रीड करेंगे ताकि आप ये अच्छे से समझे और इसके न्यू वर्ड्स भी अंडरलाइन करें, डिफिकल्ट वर्ड्स आई मीन टू से. ठीक, ओके, देन स्टे सेफ, अपने घरों में रहो, सेफ रहो, महफूज रहो, अच्छे से खाओ पियो और पढ़ाई करो. ठीक है ना बच्चों? Till then, Allah Hafiz, stay safe, stay healthy.